वाराणसी में केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के नेशनल चेयरमैन गोपाल राय ने दुर्गाकुंड में प्रेस वार्ता किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल राय ने वाराणसी के जाने माने विद्वान और ज्योतिषाचार्य स्वामी कन्हैया महाराज को संस्थान के धार्मिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय चेयरमैन मनोनीत किया। बैठक में उन्होंने कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी के डबल इंजन की सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास जीत रही है। गोपाल राय ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि स्वामी कन्हैया महाराज पिछले 25 वर्षों से जनसेवा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक हजारों गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया है। कोरोना वायरस के समय बहुत लोगों की मदद की है और अनेक लोगों को नशे से मुक्त कराकर नया जीवन दान दिया है। स्वामी कन्हैया महाराज ने कहा कि मोदी का विकास मंडल अतुलनीय व सराहनीय है और हम लोग योगी और मोदी के कार्य से बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में मोदी के नेतृत्व में हमारा देश राष्ट्र गुरु बनेगा और योगी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना हो रही है। आज अपराधी को जेल से छूटने के बाद भी वह भागता नहीं है एवं अपराधी गले में तख्तियां लटकाकर पुलिस के सामने सरेंडर हो रहे हैं। उन्हें मालूम है कि योगी और मोदी के शासन में उनका कल्याण नहीं होने वाला है। पुलिस कमिश्नर से लेकर के हर जगह ईमेल भी कराता रहा, जो कर सकता था नहीं हो पाई। अंत में मैं वहाँ से पुलिस महानिदेशक के माध्यम से इसको मैं मदद कराया। वो सारे रिकॉर्ड जब आप कहेंगे तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड मैं आपको मोबाइल पर भेज दूंगा। एक साल में कितने लोगों को न्याय मिला? एक साल में लगभग 264 लोगों को तो न्याय मिला है, जो ऐसे भी उसमें 60-65 लोग हैं जो 6 साल से मुकदमा चल रहा था। हम लोग आपसी भाईचारा के तरफ बैठा करेंगे कि अब तक आपका पैसा कितना खर्च हुआ, मुकदमे में मिला क्या। फिर उसमें कंप्रोमाइज जैसे प्रॉपर्टी विवाद था तो हम लोग 50-50 पर ला दिए, भाई ये परेशान है, आप भी जा रहे हो, वकील पैसा ले रहा है। आजकल 156(3) में मुकदमा जब आदमी कायम कराता है उसमें भी 3-3 महीने लग जाते हैं, लेकिन हमारा दावा है कि हम 2 से 3 दिन में मुकदमा तो कायम करा ही देते हैं, चाहे वो आरोपी कितना बड़ा मजबूत क्यों ना हो, पकड़ रखता है थाने से। ऐसा कोई प्रकरण होगा मुझे बताइएगा और रिजल्ट आप देखिएगा। देखिए, संस्था के द्वारा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी सुल्तानपुर में मात्र 2 महीने पहले की घटना है, जिसमें एक हत्या हुई थी और हत्यारे घूम रहे थे खुलेआम। वो पीड़ित इतना परेशान होकर कि जब कहीं से नहीं हुआ तो हम तत्काल उसको FIR दर्ज करा के आज जो अभियुक्त हैं वो सलाखों के पीछे हैं। एक घटना मैं बताऊंगा कि बलिया जनपद में एक थाना है, वहाँ कभी रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर भी आप देखेंगे, 10 लाख रुपया एक गरीब किसान जो यादव परिवार से था वो बेच करके अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था और उसको लूट हो गया 10 लाख रुपया। बाद में अभियुक्तों की जब गिरफ्तारी हुई तो वहाँ इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध लगी क्योंकि 3 लाख रुपया वो ले लिए। ऐसी स्थिति में जब पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो लखनऊ पहुँचा, मैं तत्काल बलिया से बात किया। बात करने के दौरान उन्होंने कहा मैं जाँच कराऊंगा, उनका स्पष्ट है कि इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध है। वास्तव में इंस्पेक्टर को हटाया गया वहाँ से और पीड़ित को न्याय मिला जिसमें कुछ पैसे बरामद हुई और अभियुक्त इस समय जेल में। मैं गोपाल राय केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान का नेशनल चेयरमैन हूँ। आज किस तरह का ये आप कॉन्फ्रेंस किया और क्या भाज? आज वाराणसी आगमन का मुख्य उद्देश्य ये था कि स्वामी कन्हैया महाराज जी को धार्मिक प्रकोष्ठ का नेशनल चेयरमैन पद पर मनोनीत किया जा रहा है और स्वामी जी धार्मिक इतने बड़े धार्मिक हैं कि लोगों के बच्चों की शादियों से लेकर के समय के उपासक भी हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे कि देश के बड़े बड़े लोग समाजसेवी हों, राजनेता हों, वो भी स्वामी जी से राय मशविरा लेते रहते हैं और हमारे केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान का मेन उद्देश्य यह है कि समाज में पीड़ित असहाय लोग जो भी हैं उनके हित में हम लोग कार्य करते हैं। जो भी पीड़ित लोग लखनऊ दिल्ली हमारे कार्यालय पहुँचते हैं उसी तरह से स्वामी जी भी पूरे भारत में पीड़ित असहाय लोगों की मदद करते रहेंगे। कि धार्मिक प्रकोष्ठ के नेशनल चेयरमैन होने के नाते संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में स्टेट चेयरमैन का, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का पद पर ये लोगों को नियुक्त करेंगे और ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में मोदी और प्रदेश में योगी जी सरकार चला रहे हैं उसमें ये सहायक सिद्ध होंगे। क्योंकि वास्तव में आज बहुत बड़ी बात हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अभी कृष्णानंद राय की हत्या की, देखिए कोर्ट ने भी कह दिया कि दोषी कोई नहीं, लेकिन आज योगी जी ऐसे व्यक्ति थे जो वास्तव में इतने बड़े अपराधी को सजा दिलाने में कामयाब रहे। मुख्तार अंसारी जैसा परिवार जो कई हमारे गवाहों की हत्या भी कर दिया, जो साहस करके कोर्ट में कह दी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या इन लोग किया, तो ये योगी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पूरे प्रदेश में अपराधी भयभीत हैं और ऐसे ही
कर्मठ योगी जी और देश में मोदी जी की आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी भी है, जिसका हम समर्थन पिछले 2022 विधानसभा में किए थे, और आशा ही ने पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इसी तरह से विकास देश का प्रदेश का होता रहेगा। अपराधी भयभीत होते रहेंगे, अपराधी तख्तियों पर लिख करके चल रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो। बताइए, ये स्थिति आ गई है। तो ये आज स्वामी जी से मैं चाहूँगा दो शब्द आप स्वामी जी जो भी कहना चाहें।